एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुगंधर। तो अभी हम लोग हैं रेलवे म्यूजियम। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है और आपको जानना है कि 19वीं और 20वीं सदी के आसपास इंडियन रेलवे कैसा दिखता था, उस समय कैसा डेवलपमेंट हुआ था पूरे इंडिया में, तो आप हर चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस ब्लॉग में। ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। मेन गेट के लेफ्ट में ही टिकट काउंटर है, तो वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। प्रेजेंट टाइम में टिकट का रेट जो चल रहा है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। ऐसा कुछ दिखता है हमारा टिकट और हमने लिया चेंज। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो थोड़ी दूर जाने के बाद ये भैया बैठे हैं, ये चेक करते हैं टिकट। तो इन्हें आप टिकट देंगे तो इसका आधा हिस्सा ये अपने पास रख लेते हैं और फिर आधा हिस्सा आपको दे देते हैं, और बाकी उसे लेने के बाद आप इंटर कर सकते हैं और घूम सकते हैं। सिंपली मेन गेट से आप जैसे एंटर करते हैं, आपके लेफ्ट में एक फ्लैट है, सबके लिए सारे लोग उसमें बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। पूरे रेल म्यूजियम का एक हाफ सर्कल का ट्रैक बना हुआ है इसका, ये उस पर होम। रेल म्यूजियम जो है ये बच्चों के लिए काफ़ी फेमस है, वो अगल बगल के जितने भी स्कूल्स हैं लोकल्स वगैरह के लिए, तो वो लोग ट्रिप के तौर पर बच्चों को टूर के तौर पर इस जगह पर लाते हैं उन्हें, और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पर फील्ड का है ना, 4 से 5 फील्ड बने हुए प्लेग्राउंड बच्चों के लिए। एंट्री गेट से आप एंटर लेते हैं और टिकट काउंटर से ये 50 मीटर जैसे ही आप सेंटर में आते हैं, मेन रोड से अंदर आते हैं, तो ये सेंटर पॉइंट अपना रेल म्यूजियम। और जो मेन चीज़ है वो तो यही है, कमाल की चीज़ आई। इसका बड़ा मॉडल रियल मॉडल है इस रेल म्यूजियम में। दूसरी साइड है रियल में, जो रियल उस टाइम यूज़ किया जाता था वो वहाँ रखा है, वो आपको दिखाते हैं। वैसे दिखाने और बताने को तो अंदर बहुत सारी कमाल की चीज़ें थी। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था और कॉपीराइट आ जाने के डर से बहुत सारे कॉपीराइट आ जाते हैं, स्ट्राइक भी आने के चांसेस थे, इसलिए मैंने वीडियो हटा दिए हैं। काफ़ी कुछ बयां करती है उस टाइम की हिस्ट्री। जो सेक्शन है ये पर्सनल गैलरी है, यहाँ पे एक बार फोटोज लगे हुए हैं, तो एक बार घुमाया जाए, कैमरा मैन घुमाइए। दूसरे सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या। रेलवे म्यूजियम के अंदर एक अलग सेक्शन बना हुआ है गांधी गैलरी के नाम से, देख सकते हो, उसमें गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे उनकी पत्नी के साथ फोटोज हैं, वो चंपारण वगैरह भी गए थे क्रांति वगैरह ग्रुप में, या फिर जो केसेस थे रिसॉल्व करने के लिए गए थे चंपारण नगर, उससे रिलेटेड स्टोरी है, फोटोज वगैरह हैं उनकी। तो आइए चलते हैं। ये कमाल का शोकेस है, यहाँ पे अलग अलग टाइम की जो ईटें यूज़ की जाती थी रेलवे में वो है यहाँ पे। तो 1918-1896 1899 अलग अलग सेक्टर यूज किए गए, अलग अलग साइज है। 100 साल 150 साल पहले का भी जब अगर स्पर्श करना हो, टच करना हो, फील करना हो, तो आप यहाँ देख सकते हो। इसके जस्ट बगल में है महात्मा गांधी। ये फोटोज तो आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, 1909-1909 की फोटो है महात्मा गांधी की। और इधर देखिए महात्मा गांधी अंतिम दर्शन, आप लोग इन्हें देख सकते थे। हम लोग तो थे नहीं उस टाइम, लेकिन जो लोग देख सकते दर्शन भी था महात्मा गांधी का। इसके बाद ये परलोक सुधार गए। यहाँ पे जो फोटोज लगे हुए हैं ये महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं, उनकी टाइम लाइन को दिखाता है, कब वो कैसे थे, एक टाइम ऐसे थे, एक फिर ऐसे थे, कस्तूरबा गांधी नाम था उस समय। और फोटो नहीं दिखा था, आप देख सकते हैं ये हैं कस्तूरबा गांधी। ये अन्य लोग हैं लेकिन ना उन लोग का यहाँ लिखा हुआ है महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी। इस चंपारण में थे महात्मा गांधी का भी फोटो है, 1918 में ऐसे थे जब चंपारण में केस गए थे सॉल्व करने, तो ऐसे थे महात्मा गांधी उस टाइम। उस टाइम में यूज़ किया जाता था रेलवे स्टेशन पर, ये भी शोकेस में रखा हुआ है। जर्मिन है, थोड़ा दूर आने के बाद स्टीम इंजन, ये सेंटर में ही रखा हुआ है शोकेस के तौर पे। ये स्टीम इंजन उस टाइम का ऐसा होता था, कमाल काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब ये कटरा, कुछ दिनों में हम आपको यहीं दिखेंगे। आज जितना हमने बताया उससे बहुत ही अधिक, उससे और भी ज़्यादा चीज़ें हैं अंदर जानने और एक्सप्लोर करने को। तो अगर आपके पास टाइम हो और इंटरेस्टेड आप इसमें तो एक बार ज़रूर आएँ। यह एक कमाल की चीज़ है जो रेलवे म्यूजियम को बहुत ही खास बनाती है, और वो है फूड प्लाजा सेक्शन। एक ऐसी कमाल की चीज़ है ना जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग हो सकती है, जैसे रेस्टोरेंट रेलवे स्लीपर के एक लिफ्ट में।
मतलब रेलवे का एक ओरिजिनल डिब्बा है और उसमें रेस्ट्रो बना हुआ है और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप इधर देख सकते हैं। सेम फीलिंग सेम वाइब आता है आपको अंदर बैठे। फैन भी वही लगाए गए हैं, लाइट वगैरह भी वही लगाई गई हैं जहाँ रेलवे के डिब्बे में होती है। टेबल नंबर देखिए कमाल का लिखा हुआ है, कमाल की नंबरिंग की गई है टेबल की। एक ही डिब्बा यूज़ किया गया है, तो स्लीपर है, स्लीपर का जितना साइज होता है ना उतना ही यूज़ किया गया है उसे बनाने के लिए। यहाँ पर फूड ऑर्डर करने का एक प्रोसेस है, जैसे आप मेन गेट से एंट्री लेते हैं, हाँ भी अंदर डिब्बे के अंदर वहाँ एक काउंटर है, वहाँ को पैसा जमा करना है, जो आपको चाहिए ऑर्डर दीजिए उससे एक टोकन मिलेगा। टोकन यहाँ किसी भी वेटर को दीजिए और सीट पर बैठ जाइए, सीट नंबर बता दीजिए और वो कूपन दे दीजिए। ऑर्डर आपका जैसे प्रिपेयर हो जाता है वो आपको लाकर दे देगा टेबल में, और आप उसे कंज्यूम करिए, उठिए और चले जाइए। तो वहाँ मेन गेट है, वहाँ से हमने बताया आपको राइट में रेल म्यूजियम है और उधर रेस्टोरेंट है, म्यूजियम के जस्ट सामने ही उधर रेस्टोरेंट है। वहाँ से हम लोग अभी आ चुके हैं और फिलहाल हम लोग हैं लेफ्ट साइड, अब हम रेलवे म्यूजियम के लेफ्ट साइड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी मेटल बॉडी अगर हीट होती है तो उसे ठंडा करने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही 19वीं और 20वीं सदी में जब रेलवे इंजन उसमें स्टीम इंजन हुआ करते थे वो जब हीट होते थे तो पानी यूज़ किया जाता ठंडा करने के लिए, और पानी जिस मशीन के द्वारा यूज़ किया जाता था वो ऐसा कुछ दिखता था उस टाइप में, और इसका बोलते हैं हम लोग वाटर कॉलम, इसका पर्टिकुलर नाम है वाटर कॉलम, और इसका यूज़ किया जाता था स्टीम इंजन को ठंडा रखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही होता था, ये बियर है, ये जेन्युइन है, ये जो बॉडी दिख रही है आपको ये रियल बॉडी है, ये फेक नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में होनी चाहिए रेलवे म्यूजियम अगर आप प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, तो ये मंडे को क्लोज रहता है, मतलब कि सोमवार को ये बंद रहता है, तो सोमवार को आप लोग ना ही प्लान बनाएं तो ही बेहतर है, आपकी जानकारी प्लान क्या ही बनाएं आप आ ही नहीं सकते अंदर, तो मंडे को ये क्लोज रहता है रेलवे म्यूजियम। इसमें जो ट्रेन चलती है इसका टिकट है 10 रुपये पर पर्सन, तो अगर आप इसमें घूमना चाहते हैं तो ये टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो फिलहाल कैसा रहा आज का ब्लॉग कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं यार, कम से कम 500 तो करवा दो। चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में, सी यू।